चैनल, आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे पास है BMW G310 RR और साथ ही साथ हमारे पास है निंजा 300, तो दोनों ही बहुत ही खूबसूरत मोटरसाइकिल्स हैं, दैट इज़ ऑफकोर्स द लेजेंड ऑफ इट्स टाइम। और ये वाली जो बाइक है ये तो भाई ये देख रहे हो हर जगह मोटर स्पोर्ट, और ना जाने कितने लोगों ने इस लोगो का पैसा दिया है, तो भाई एक्स्ट्रा चार्ज करिए BMW। ऑफ कोर्स ये बाइक थोड़ी सी अपाचे से ज़्यादा टॉप शूट बनाती है आई गेस, अब ऐसा कंफर्म नहीं है क्योंकि कुछ अपाचे चली जाती हैं कुछ नहीं जाती हैं, बट मोस्टली जो BMWs हैं वो ज़्यादा टॉप स्पीड हिट कर रही हैं, ये मैंने चेक कराया खुद से। अब पता नहीं क्या सीन है, बैक सीट बहुत ज़्यादा हार्ड है, निंजा की बैक सीट अब ठीक है, निंजा की बैक सीट ठीक है, फ्रंट सीट भी हार्ड है भाई। अपाचे इज़ अ कम्फर्टेबल मोटरसाइकिल और इससे ब्रदर इसकी सीट हार्ड है क्या अपाचे से? हाँ है ना, अपाचे थोड़ा और मुलायम होती है, अब पता नहीं भाई इतना आइडिया नहीं, मे भी थोड़ा और टाइम के साथ सीट कंफर्टेबल हो जाए, अब पता नहीं डिफरेंस क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बट मुझे याद है शायद अभिषेक की गाड़ी मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी जब मैं पहली बार बैठा था सीट पे। खैर छोड़ो जो है वो है, पावर फिगर्स की अगर बात करें तो डिफरेंस है, दिस वन इज क्लोज टू 34 BHP, दैट इज 39 BHP, तो 39 PS, एंड PS एंड BHP में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो खैर पावर में डिफरेंस ऑफकोर्स है, और मुझे लगता है वेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है। दैट वन इज ट्विन सिलेंडर, दिस वन इज सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल। अगर आवाज़ की बात करें तो निंजा इज़ फार बेटर वेन कम्पेयर टू BMW G310 RR, बार बार मेरे मुँह से अपाचे R310 निकलेगा तो कोई मुझे जज नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए आपको पता है क्यों। और आगे आपको बाई LED सेटअप मिल जाता है, उसमें क्या होता है आपका हाई बीम और लो बीम दोनों ही साइड होते हैं, तो अगर आप जलाओगे तो RS की तरह लैंप नहीं जलते जैसे उसका जल रहा है इस टाइम, उसमें बैटरी भी लो है, वसल धक्का लगाएगा अभी थोड़ी देर में, और बाकी तो सही है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आप लोग कुछ भी ट्राई मत करना, वी आर राइट नाउ ऑन द सेफेस्ट रोड ऑफ लखनऊ, इससे ज़्यादा सेफ हम नहीं रह सकते थे, इससे अच्छा मौसम ऊपर वाला नहीं दे सकता था वीडियोस बनाने के लिए, सो ऑल थैंक्स टू द ऑलमाइटी। बाकी तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बाकी उसमें कन्वेंशनल सस्पेंशन मिल जाते हैं, इसमें USDs मिलते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट थोड़ी देर में और स्पेक्स बता दे रहा हूँ, तो अब वेट नहीं कराएंगे आपको, चलो मेरे भाई जर्मन वर्सेज जैपनीज। अच्छा अब मैं समझा, जिन लोगों ने जैपनीज़ वो देखी है वो लोग समझ जाए, बता रहे थोड़ी ब्लर होगी स्पीड में क्योंकि जैपनीज़ बाइक है, एशियन ब्रो। लॉन्च अच्छा नहीं हुआ बट ठीक है निकल जाएंगे, कावासाकी बाय बाय। उसने एकदम से टायर उछाल दिया था, ये क्या हो गया, बाप रे बाप, ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है, अनबिलीवेबल भाई। छोटा सा स्ट्रेस था अपने पास, मैंने कहा भगा के देखते हैं, और ये भाई राइट साइड तो लेक बन गया है पूरा, नैनीताल क्यों गए हम लोग। राइट साइड पूरा लेक बना दिया गया है भाई, एकदम मस्त सा भाई, टॉप एंड में निंजा निकलेगी भाई। इक्विपमेंट्स हैं वो अपाचे सॉरी यार BMW G310 RR में फार बेटर है, इसकी पिछली ब्रेक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसकी पिछली ब्रेक मेरी S1000 RR से ज़्यादा बाइट ऑफर कर रही है, बहुत जेन्युइन चीज़ें बोलता हूँ, चाहे मेरी बाइक हो चाहे किसी की बाइक हो, बट इसकी पिछली ब्रेक बहुत अच्छी है, इसकी अगली ब्रेक बहुत अच्छी लग रही है मुझे, अब अगली ब्रेक में तो नहीं कहूँगा कि BMW से बेटर है क्योंकि अपनी BMW की ब्रेक तो ऐसी ऐसा लगता है एरोप्लेन रोक दे पूरा, इतनी शार्प ब्रेक्स होती हैं। बाकी निंजा 300 इज अगेन अ ग्रेट बाइक विद ग्रेट इंजन, अपार्ट फ्रॉम ग्रेट इंजन इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसकी मैं तारीफ करूँ। ख़त्म भाई, पावर समझ सकते हो, दूसरे गियर में भी व्हीली पॉप कर रही है, व्हीली पॉप ना हुई होती तो एक बार को मैं हरा देता, लेकिन अभी पहले ट्विन होने का नुकसान। सिंगल सिलेंडर का इनिशियल अच्छा होता है, बट अभी मैं टॉप एंड में तो बाहर जाऊंगा ही जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, तीन ऑन
लो भाई टो टू टो चल रही है। इस बार तो मैं निंजा को एकदम भगाता रहूंगा। टॉप एंड में तो ये जीतेगी ही जीतेगी हर हाल में। कवर कर रही है, बहुत स्पीड में कवर कर रही है। चलो एक बार स्विफ्ट स्विमिंग लगा लेते हैं। ये लो भाई निकल गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, टॉप एंड चैंपियन। जैसा कि आपने देखा निंजा 300 निकल गई और निंजा 300 को निकलना भी था। तो टॉप एंड में मैंने जैसा कि कहा था टॉप एंड में ये खींचेगी, इसने टॉप एंड में खींचा, अच्छा खासा खींचा और ये निकली एकदम करके। मैंने कहा था ना डुअल सिलेंडर में टॉप एंड को बीट करना इज क्वाइट टफ, बट जैसा G310RR ने परफॉर्म किया दैट इज रिमार्केबल। मैं इसी को विक्ट्री मानूंगा, बिकॉज इसी की विक्ट्री हुई है, क्योंकि जितनी देर में निंजा निकल पाई है ना, संघर्ष किया है। सिंगल सिलेंडर बाइक्स हैव बीन वे बेटर, मतलब अब पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ चुका है सिंगल सिलेंडर बाइक्स में। और पहले की तरह ये किंग हुआ करती थी मार्केट की, R3 हुआ करती थी, बट अब सिंगल सिलेंडर्स 170 और इवन RC390 तो इसको खा जाएगी, R3 को खा जाएगी, नई वाली मतलब पुरानी वाली है जो R3 है उसको। तो आपको पता है ना मार्केट में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, तो अब जो पहले किंग्स थे वो अब किंग्स नहीं रहे हैं। और डेफिनेटली ये 170 एकदम ही जेन्युइन हिट कर रही है और इवन उससे ऊपर भी चली जाती है अगर विंड ब्लास्ट ना होता। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करने का टाइम आ चुका है। इंस्टाग्राम हैंडल एक्सप्लोर है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो। क्वार्टर माइल ड्रैग की विन ये है, टॉप एंड की विनर वो है ऑफकोर्स। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइट हैड राइट सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय।